चोरी गए 14 चक्का ट्रक कीमती 20 लाख रुपए को 72 घंटे में बरामद कर आरोपियों को किया गिरफ्तार। 18 तारीख को फरियादी ने थाना कोतवाली आकर सूचना दर्ज कराई की तारीख 17 को करीब शाम 5 बजे फरियादी का ड्राइवर ट्रक फतेहपुर चौराहे के समीप खड़ा कर चाबी देकर चला गया था। सुबह 18 को देखने पर उक्त जगह पर ट्रक खड़ा नहीं मिला, जो अज्ञात चोर ट्रक को चुरा कर ले गया। फरियादी की रिपोर्ट पर से थाना कोतवाली में अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया। आरोपी के गिरफ्तारी के लिए सीसीटीवी कैमरा खंगाले और मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया। सीसीटीवी कैमरों के आधार पर ज्ञात हुआ कि चोरी किए गए ट्रक के पीछे एक स्विफ्ट कार जा रही है। इसका रजिस्ट्रेशन नंबर शिवपुरी का है। एक पेट्रोल पंप पर उक्त चोरी किए गए ट्रक में डीजल डलाने पर भुगतान कार चालक के द्वारा किया गया। कार का नंबर पता कर शिवपुरी में कार मालिक का पता कर कार से संबंध में पूछताछ की गई तो कार मालिक के द्वारा बताया गया कि कार को उसका ड्राइवर 18 तारीख को ले गया है और कार चालक की पता राशि की तो उसकी लोकेशन जो है वो राजगढ़ जिला दौसा राजस्थान तरफ जाती हुई दिखाई दी। इस पर राजगढ़ पुलिस के सहयोग से चालकों को रोकने का प्रयास किया गया तो वो भाग गए। बाद में घेराबंदी कर दो व्यक्तियों को पकड़ा, पूछताछ की गई तो उन्होंने चोरी की घटना को अंजाम देना स्वीकार किया। आपको बता दें कि ट्रक कुमावत वर्कशॉप नसीराबाद राजस्थान में बेचने और काटने के लिए खड़ा है, ये भी जानकारी दी। इस पर कुमावत वर्कशॉप नसीराबाद राजस्थान से ट्रक करीबन 20 लाख को जब्त किया गया और आरोपियों के द्वारा ट्रक को पहचान छुपाने के लिए फर्जी नंबर ट्रक पर लगा दिया था, जिससे दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और स्विफ्ट कार को जब्त किया गया। घटना में शामिल 3 आरोपियों की तलाश जारी है और साथ ही गिरफ्तार किए गए आरोपी गणों में से एक आरोपी थाना बैराड़ जिला शिवपुरी का हिस्ट्री शीटर है, जिस पर थाना बैराड़ और ग्वालियर में लूट और एटीएम से लूट के गंभीर अपराध पंजीबद्ध हैं और आरोपियों से अन्य वाहन चोरी के संबंध में पूछताछ की जा रही है। इसमें कोतवाली में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था और एडिशनल एसपी प्रवीण भोरिया, एसओपी अजय बागरा और टीआई कोतवाली को लगाया गया था। इन्होंने एक टीम बनाई जिसमें सब इंस्पेक्टर दीपक पालिया, कांस्टेबल सलमान और कांस्टेबल जगदीश के साथ और हमारे जो फरियादी थे उनके परिवार के भी एक आसो साथ में गए थे। और इन्होंने जब सर्चिंग चालू करी तो पहले पूरे चौराहे से उसको पूरी तरफ जाते हुए देखा मिला। उसके बाद लगातार ये जब सर्चिंग करते रहे तो दौसा में फाइनली ये पता लगा कि इस ट्रक के साथ में एक स्विफ्ट कार भी आई है और उसने डीजल डलवाया उसका, उसके आधार पर उनकी शिनाख्त हुई है और उसमें जो शिवपुरी से ही तीन लोग हैं जो उन्होंने घटना माननीय के साहब को और आदरणीय सर को बताया और सर ने बगैर देर किए हुए अपनी टीम को एक्टिव किया और मुझे कहा कि आप भी थाने पहुँचे और हमें हमारे सीनियर इंस्पेक्टर हैं उनको भेज रहे हैं और वो आपके साथ रहेंगे और पूरी टीम उसमें तीन थे अगर दीपक सर जगदीश भैया और सारू भाई तीनों लोग थे। तीनों के साथ हमने शिवपुरी से सर्चिंग जब चालू की तो कंट्रोल रूम से हमें उसका नंबर मिला कि 12 बजे गाड़ी गई है। इसके बाद हम हर आगे जो भी सीसीटीवी कैमरे मिले हमें हर प्रत्येक उस कैमरे को हमने चेक किया। आदरणीय सर ने बगैर कोई क्लू होते हुए नहीं था इसमें कोई भी पॉइंट नहीं था, लेकिन एक एक कड़ी को जोड़ते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे थे। एक दिन हमें वापस भी आना पड़ा, हम उस दिन भटक गए थे खराल से हम सबलगढ़ की तरफ चले गए थे, हम वापस आ गए तो हार नहीं मानी, दूसरे दिन हम पुनः गए और उस क्लू को बनाते हुए हम शोपुर पहुँचे, शोपुर से हम सवाई माधोपुर पहुँचे।